इस मुकदमे में SHO डिवीजन नंबर 2 लुधियाना उनकी गिरफ्तारी STF ने डाली है। ਲੁਧਿਆਣਾ STF ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ SHO ਅਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 10 ਗ੍ਰਾਮ 35 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। STF ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨੈਰੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਰੋਪੀ ਬਲਵੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ SHO ਅਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ STF ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਾਸੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 10 ਗ੍ਰਾਮ 35 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 6 ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ STF ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ SHO ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਮੈਂ SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਨਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ STF ਨੇ ਡਾਲੀ ਹੈ। 18 ਤਾਰੀਖ ਕੋ STF ਕੇ अपने DSP साहब उनके पास एक इत्तला मिली थी कि लुधियाना में एक ऐसा कोई गैंग है जो कि ड्रग स्मगलरों के साथ मिलके, जिसमें पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं, और ये इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि पहले ये स्मगलरों को पकड़ के उनसे सामान भी ले लेते हैं और बाद में पैसे लेके उन्हें छोड़ देते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन पे STF ने 32 नंबर FIR रजिस्टर की, और ये FIR नंबर 32 में 21, 59, 2, 61, 85 NDPS एक्ट के तहत ये FIR लॉन्च की गई थी। FIR लॉन्च करने के बाद इसमें अभी तक जो SHO की गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ ही उसका ड्राइवर अजय, उसे भी गिरफ्तार किया गया है, और एक 16 तारीख को जो एक पर्चा दर्ज हुआ था हेड कांस्टेबल बलबीर के खिलाफ, वो भी हमारी अभी पुलिस कस्टडी में है, उससे भी उसकी पूछताछ जारी है। ये सारी कहानी हुई थी कि 11 फरवरी को इन्होंने बलबीर, जो कि एक हेड कांस्टेबल है, लुधियाना में पोस्टेड है, जो कि अभी सस्पेंड है, बाद में पता लगा कि उसे डिसमिस भी कर दिया गया है, जिसके बारे में आप लोग को पता होगा। उसके डिसमिसल के बारे में AIG साहब ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग को बताया। ये जो हेड कांस्टेबल बलबीर है, इसके खिलाफ पहले भी सराभा नगर में एक्सटॉर्शन का एक FIR लॉन्च हुआ था 2 महीना पहले, और अभी 20 ग्राम हेरोइन भी उससे रिकवर हुआ है। वो FIR जो STF ने दर्ज किया, उसमें भी उसकी गिरफ्तारी हुई है और वो हमारी कस्टडी में है। ये 11 तारीख को बलबीर 2 नंबर थाने में आके उसने SHO और जो उनका जो ड्राइवर है अजय, इनसे मुलाकात की,
इसके बाद वहाँ पे वो पांच बंदों को पकड़ के लेके आया था। बलवीर वो जो पांच बंदे हैं जिनका नाम हमने प्रेस नोट में, मैंने सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है उसमें, सतपाल, हरप्रीत, गगन, गुरपाल, यादविंदर, ये पांच जने थे। इन्होंने पहले तीन जनों से बात की थी, जो खास के सतपाल है, हरविंदर, ये हरप्रीत और गगन से उन्होंने सामान मंगाने की बात की, वो कुछ सामान लेके आए, हीरोइन लेके आए। बाद में गुरपाल और उसका एक साथी वो भी आ गया और ये पांचों लोगों को लेके ये थाने में आए। वहाँ पे लाके इन्होंने SHO से बातचीत की, जिसमें से पांच में से दो बंदों को उन्होंने पैसे लेके उसी रात छोड़ दिया, 11 तारीख की रात को। और जो तीन जने जो रह गए उसको उन्होंने उस समय तक नहीं छोड़ा जब तक के कुछ और पैसे नहीं आ जाने थे। जब पैसे और आ गए तब उन्होंने उन्हें 13 तारीख को उन्होंने छोड़ा, पांचों को छोड़ दिया। हाँ, और उनके जो मोबाइल थे, 6 मोबाइल उन्होंने रख लिए। ये सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में सामने आ जाएंगी, क्योंकि अभी हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं और वो जो बंदे जिनको छोड़े गए हैं, जिनके थ्रू जो जिन्होंने पैसे दिलवाए थे, वो सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में हम इसको लेके आएंगे।